बहुत सारे इतिहास साक्षी है, ऐसे अनेक क्रांतिकारी लोग हुए हैं जिन्होंने पूरे समाज को परिवर्तित किया है। तो ऐसा ही एक सुंदर सा नाट्य प्रस्तुति प्रस्तुत की जाएगी और उसमें गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान है। बताया जाता है कि जब शासक लोग जब राष्ट्र को शोषण करते थे तो उस समय जो यवन लोग थे आक्रमण किया करते थे तो राजा लोग उसमें सहायता प्रदान नहीं करते थे, तो उस समय गुरुकुल के आचार्यगण गुरुकुल के छात्र को प्रशिक्षित करते हुए उनको युद्ध भूमि में भेजा करते थे। ये गुरुकुल का महान योगदान था, लेकिन बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इतिहास का वही एक आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा, वही चर्चा है और बहुत ही सुंदर इसमें गुरुकुल का ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, अखंडता, आध्यात्मिकता, एकता और धर्म की ध्वजा को सदैव फहराने वाला एक कुल परंपरा। अनेक समय पर जब धर्म की हानि होने को थी तब गुरुकुल ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और प्रचार के साथ साथ युद्ध में भी अपने त्याग और शौर्य से धर्म की रक्षा की। जब राजा जन भोग विलास और किम कर्तव्य मूढ़ हो गए तब गुरुकुल ने तब गुरुकुल के आचार्यों ने गुरुकुल के छात्रों को धर्म की रक्षा का भार सौंपा, जो कि अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को उद्यत थे, क्योंकि उनका जन्म उन माताओं के गर्भ से हुआ था जो साक्षात त्याग, बलिदान और धर्म की प्रतिमूर्ति थी, जिन्होंने सिंहों को जन्म दिया। गुरुकुल की ऐसी अपेक्षा है कि गुरुकुल का प्रत्येक स्थानीय शिक्षक अपने छात्रों को यवनों के विरुद्ध संग्राम के लिए प्रवृत्त करे, किसी भी स्थिति में उन्हें रण में उतरने से ना रोके। किंतु आचार्य, क्या यह उचित होगा कि छात्रों की शिक्षा रोककर उन्हें रण में प्रवृत्त किया जाए? जहाँ शिक्षक होते हैं वहाँ शिक्षा भी होती है, और शिक्षक कहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अज्ञान के अंधकार को काटने वाले शिक्षक की पहुंच तो अंधकार का नाश करने वाले से रवि से भी अधिक सामर्थ्य होती है। आचार्य, फिर आप चिंतित क्यों होते हैं? और अगर शिक्षा रोकनी पड़े तो उसे रोक दिया जाए, क्योंकि जो शिक्षा हमें सिखाती राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म की रक्षा सर्वोपरि है, उसको रोक देना चाहिए। जाने दो उन्हें संग्राम में, मैं उन्हें राष्ट्र धर्म का पहला पाठ पढ़ाऊंगा यदि आप में शक्ति ना हो तो। किंतु आचार्य, हमें और गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए कि यह पर आपसे खेलने का है। मैं विचार कर चुका हूँ, विचार आपको करना है। गुरुकुल संग्राम में जाएगा और जो कोई उसके मार्ग में आया या तो जीवित रहेगा उसका साथ देगा, और जो जीवित नहीं रहेगा तो उसका साथ नहीं देगा। आचार्य, जितना आप सोचते हैं उतना यह कार्य आसान नहीं है। अमृत की अपेक्षा रखने वालों को जीवन में विस्पान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परीक्षा हमारे सामर्थ्य की है, क्या आज हम राष्ट्र की रक्षा के लिए विस्पान करने वालों को जन्म दे पाएंगे? आचार्य, यवनों से लड़ना खेल नहीं है। सामर्थ्य जीवन और दुर्बलता मृत्यु, यदि राज दुर्बल रहा तो राज नहीं रहेगा, राष्ट्र को मृत्यु से लड़ना भी सीखना होगा। आचार्य, आप विवेक और शांति से काम लीजिए। का सही आपने लक्ष्य इंद्र से कहा तो आज गुरुकुल आपको सहयोग देने के लिए आमंत्रित नहीं करता। चाहिए आप यही उनसे कहिए जिन्होंने यवनों के हाथों अपने स्वजनों को खोया है। चाहिए आप यही विचार आप उनसे कहिए जिन्होंने जो यवनों के रक्त से अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए, जिसे जाना है अभी जाए, इसी क्षण पर गुरुकुल राष्ट्र धर्म की रक्षा का प्रतिज्ञा ले चुका है। धनम प्राप्तुम आगच्छन् वा? नहीं महाराज, भारत यवनों के द्वारा पदाक्रांत हो रहा है। भारत की सीमा सुरक्षित है, अगर साम्राज्य उनकी रक्षा कर सकता है। तुम तो धरांत को ही
आप क्या देने लगे हो भिक्षुक? याचना कर रहा हूँ महाराज, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। सीमाओं की रक्षा सैनिक क्या करते हैं? सम्राट ही जाओ यहाँ से। ईरान के पास और भी उत्तर है मूर्ख। मगर सम्राट, भारत की मिट्टी चंदन है, इसे अपने माथे में लगाओगे तो हर एक भारतीय भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा।
शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र होता है। और यदि मार्ग में शस्त्र बाधक और राजमार्ग कंटक शस्त्र की भाषा जानते हो तो शिक्षक अपने सामर्थ्य का परिचय अवश्य दे। सामर्थ्य जीवन और दुर्बलता मृत्यु। यदि राज दुर्बल रहा तो वह राज नहीं रहेगा। राष्ट्र को मृत्यु से खेलना भी सीखना होगा। मैं काल का आह्वान कर चुका हूँ कि आप मृत्यु से खेलने की उद्यत है। और इस प्रकार गुरुकुल में प्रशिक्षण लेने के पश्चात